नागपुर शहर में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे गुरुवार को नागपुर आए, जिसके चलते उन्होंने शुक्रवार को पत्रकार परिषद के माध्यम से पत्रकारों से संवाद साधा। इस दौरान चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय साझा की। हाल ही में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के पद पर नियुक्त किए गए अविनाश पांडे गुरुवार को नागपुर आए। इसी बीच शुक्रवार को उन्होंने पत्र परिषद ली, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पांचों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस को इन चुनाव में सफलता प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष विद द बेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटी प्रदीप दा प्रदीप मैत्री जी, हमारे साथी जोसेफ राव जी, मेरे साथ आए हुए महानगर पालिका एवं कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रविंद्र दरेकर जी, दूसरे हमारे महासचिव अभिजीत सपकार जी, हमारे साथी राजीव अकोलकर जी एवं इस पत्रकार संघ के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और मेरे सभी बहुत ही प्रिय पत्रकार बंधु, नागपुर ये मेरा घर होने के नाते और विशेष रूप से आप सभी जितने चेहरे बैठे हैं उन सब के बीच में जब प्रदीप दा या जोसेफ दा कभी स्वागत पे कुछ बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा इस औपचारिकता पे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, एक दूरी सी। आने वाले कुछ दिनों में शहर में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसको लेकर शहर कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में अविनाश पांडे ने दी। सम्माननीय अध्यक्ष विद द बेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटी प्रदीप दा प्रदीप मैत्री जी, हमारे साथी जोसेफ राव जी, मेरे साथ आए हुए महानगर पालिका एवं कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रविंद्र दरेकर जी, दूसरे हमारे महासचिव अभिजीत सपकार जी, हमारे साथी राजीव अकोलकर जी एवं इस पत्रकार संघ के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और मेरे सभी बहुत ही प्रिय पत्रकार बंधु, नागपुर ये मेरा घर होने के नाते और विशेष रूप से आप सभी जितने चेहरे बैठे हैं उन सब के बीच में जब प्रदीप दा या जोसेफ दा कभी स्वागत पे कुछ बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा इस औपचारिकता पे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, एक दूरी सी महसूस होती है। गुटबाजी को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुर्दयी स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।